अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। हाजी मोहम्मद अशरफ के साथ जो हुआ वो वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ होगा। वारिस पठान साहब ने हाजी साहब से बात की है, उन्होंने जो पूरी पूरी जानकारी दी है, बताया है फ़ोन कॉल के ज़रिए से, वो मैं दिखाने आपको जा रहा हूँ। सुनिएगा कि किस तरीके से उनके साथ जो है गुंडों ने जो मारपीट की, किस तरीके से बर्ताव किया, आपका दिल दहल जाएगा। देखिए पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चाचा, कैसे हैं चाचा आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मैं देखा वो ट्रेन का हादसा, बहुत बुरा लगा चाचा, दिल दहल गया। क्योंकि जी 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 आप हमारे दादा की उम्र के, वालिद के भी, और इस तरह से कुछ लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, इसका पूरा देश इसका सदमा बना रहा, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। और आप जरा भी फिक्र नहीं करना, हमारी बात हुई, असद ओवैसी साहब ने भी बात की है वरिष्ठ अधिकारियों से भी, फोन आया। हाँ, इम्तियाज भाई ने भी बात किए है वरिष्ठ अधिकारियों से, मैं भी बात कर रहा हूँ, और तमाम जितने भी लोग हैं जो इंसानियत में यकीन रखते हैं चाचा, सब आपके साथ खड़े हैं। जो कुछ हुआ आपके साथ, मार पीटी, गाली गलौज, ठीक है ठीक है कल आप, लेकिन जरा भी फिक्र नहीं करना, सब आके खड़े है मदद के लिए, सब अपने अपने तौर पर मदद कर रहे हैं। माशाल्लाह, जलगांव से आए, नंदुरबार से आए, सब 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 आएंगे चाचा, हम लोग इंसानियत के साथ खड़े आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत करिए, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ चाचा, आप जरा भी फिक्र नहीं करिए, सब साथ में आपके, देखो पूरी तरह से पूरे लोग आपके साथ लगे, और आपको न्याय मिलेगा। हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई है ना, ठीक है। ओवैसी साहब भी आपके साथ है, इम्तियाज जलील साहब से भी बात हुई, सब बात कर रहे हैं, और उनको हिरासत में लिया जाएगा। ऐसे लोगों को इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता चाचा, ठीक है। तो आप फिक्र नहीं, अभी तबियत वगैरह तो ठीक है ना अभी चाचा? हाँ, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। क्या हुआ क्या था चाचा, कुछ बताएंगे मेरे को 2 सेकंड में चाचा, कुछ ऐसा? आपने वीडियो देखा होगा ना? हाँ वीडियो देखा ना, वो मुझे कल्याण उतरना था। हाँ तो ये पूरी भर्ती के लड़के थे, हाँ वो धुलिया ट्रेन से सब भरे हुए लड़के थे उसमें। अच्छा। हाँ तो कल्याण को मेरे को उतरना था। हाँ तो मेरे साथ में थोड़ा गोश्त की थैली थी, भैंस का गोश्त था। अच्छा, भैंस का गोश्त था ना? हाँ, घर के लिए, बच्ची के लिए, बच्ची आई थी कल्याण में, कौन में। अच्छा। हाँ तो उनके लिए मैं लेके आया था 1 किलो, एक बच्ची के लिए, दूसरे बच्ची को 1.5 किलो, बर्मी में से भट के पैक करके लाया था। हाँ वो वहाँ कल्याण स्टेशन पर, उनको कैसे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, बोले इसकी 12 नंबर बीप है। तो सभी लड़के उतर के मेरे को पकड़ लिए, मेरे को कल्याण उतरने दिए नहीं। हाँ और फिर मेरे को मार झोल शुरू कर दिए, बताओ कहाँ से लाया, कितना लाया, क्यों लाया। तो कल्याण स्टेशन से जब गाड़ी छूटी तो थाना स्टेशन तक उन्होंने मारपीट के, लाठों से, भूसों से, गंदी गंदी गालियां देके मेरे को आंख को भी मार लगा है, मेरे को आंख को भी कम दिखाई दे रहा है, और मुक्का मार ऐसा बैठा था चेहरे पर इस पर। हाँ तो माशाल्लाह, अभी मैं दवा खाने गया हूँ, तो दवा खाने का ठंडा वगैरह दवाई वगैरह लिया हूँ 4 दिन से, तो अभी फर्क हो गया। और यहाँ आकर थाना स्टेशन पे उतरने के बाद मेरे को उतरने का नहीं दे रहे थे, मेरे को मैं जबरदस्ती उतरा हूँ। अच्छा। थाना स्टेशन पर, और जैसे ही सामने पुलिस चौकी दिखी, वहां पर मैं पुलिस चौकी के अंदर चले गया, वो गोश्त की थैली थी मेरे साथ, और वो लड़के मेरे पीछे पीछे 5-6 लड़के सब दौड़ते दौड़ते आए। हाँ वहाँ पुलिस को उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ तो उन्होंने नॉर्मल केस बना के भाई कुछ बाचा बाची हुई, ऐसा केस करके उन्होंने सादे पेपर पे लिखा, और मेरे आपको कुछ केस करना का नहीं है, तुम्हारा नहीं करना है। और बाद में उन्होंने क्या किया, मेरा मोबाइल वगैरह छीन लिए थे, और मेरे ही मोबाइल से मेरी वीडियो शूटिंग बनाई, और पूरा वो व्हाट्सएप इसका सब पूरा इस पे शेयर कर दिए। अरे बाप। हाँ मेरे ही मोबाइल से कर दिए, आपके मोबाइल से सब। हाँ वो पूरा सब फैल गया सब तरफ, वो उसकी वजह से मेरे को ये तकलीफ होने लगी, उसकी वजह से हम पुलिस के पास आए FIR लिखने के लिए। आपका FIR लिया जाएगा, और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जो वो जो उनको